गोवा में विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीतिकार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जंगी स्वागत की तैयारी शहर भाजपा द्वारा की जा रही है। प्रेस परिषद में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मेढे ने बताया कि चार राज्यों में भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। गोवा में जीत के शिल्पकार फडणवीस का 17 मार्च को शहर आगमन पर विमानतल पर स्वागत किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट में कार्यकर्ता उनका सत्कार करेंगे। वहां से रैली के साथ वे डॉक्टर हेडगेवार चौक प्राइड होटल के पास से निकलकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर आशीर्वाद लेने जाएंगे। इस दौरान प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के पूर्व मेयर दयाशंकर तिवारी के अलावा सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रेस परिषद में गिरीश व्यास, मिलिंद माने, अशोक मेढे, संजय बंगाले, बाल्या बोरकर, चंदन गोस्वामी आदि उपस्थित रहेंगे। चार राज्याच्या विजयानंतर नागपूरमध्ये जे यश, अभूतपूर्व यश चार राज्यामध्ये मिळालेलं आहे आणि गोव्याचे प्रभारी म्हणून अत्यंत उत्तम कामगिरी त्यांनी गोव्यामध्ये माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली। या कामगिरीनंतर पहिल्यांदा नागपूरमध्ये दिनांक 17 तारखेला ते येणार आहेत। या 17 तारखेला नागपूरला त्यांचं जंगी स्वागत व्हावं हा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा मानस होता आणि त्या दृष्टीने 17 तारखेला सकाळी 9:30 वाजता ते नागपूरला येतील। नंतर विमानतळावर त्यांचं मोठं स्वागत केलं जाईल आणि रॅलीनी ते रॅडिसन चौकामध्ये, ज्या ठिकाणी नितीनजी गडकरी यांचं घर आहे, त्या ठिकाणी जाहीर सभा होईल। या जाहीर सभेला आदरणीय नितीनजी गडकरी आणि आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस दोघेही संबोधित करतील। कॅमेरा पर्सन सुभाष के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।